एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो, चाहे वो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, तो ये मोशन करेगा, किस तरह से मोशन करेगा और आगे बढ़ने के साथ साथ किस तरह से वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दे रखा है और हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह काम करता है। तो ऊपर होगा पॉजिटिव और नीचे होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो पॉजिटिव चार्ज के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये जो एरो दे रखे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फोर्स दे रखा है वो क्या है, इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स। तो जब भी जो चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से एसी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और डिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पर, तो इसको हम एंगल को फाइंड करेंगे, और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कितना वो डिफ्लेक्ट होगा उसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे, और एक हमारा एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है उसको भी इसी माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और यहाँ से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो देखते हैं। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज जब जाएगा तो किधर डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। कहें तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। लिखा भी है पॉजिटिव चार्ज विल ट्रेवल टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये है नेगेटिव प्लेट और ये है पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव चार्ज विल ट्रेवल टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल करेगा। तो इसको हम डेरिवेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलो आपके पास दो प्लेट दे रखी हैं। एक प्लेट हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव प्लेट। और एक हमारी प्लेट दे रखी है निगेटिव प्लेट। ये प्लेट हमने मान लिया निगेटिव। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ काम करती है, तो ये इसका बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इसका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया कितना है, ई। अब हमने क्या किया, कोई भी चार्ज पार्टिकल हम ले आए, कोई भी चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पर ले आए, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हमारे एक इलेक्ट्रॉन है, और जिसका मास दे रखा है बच्चों कितना, एम। मास कितना है, एम। तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा परपेंडिकुलर वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब बच्चों बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा जो फोर्स काम करेगा वो पॉजिटिव प्लेट की या फिर ये कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो अगर मान के चलो कोई भी आपका चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है और नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो हमेशा जो फोर्स काम करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो ऊपर की तरफ काम करेगा। तो आगे जैसे जैसे ये पार्टिकल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से डेविएट हुआ। अब कितना ये डेविएट हुआ वो वाली डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, बाई, ठीक है। क्या तो डिफ्लेक्शन आपको कितना देखने को मिला, बाई। यहाँ पर बच्चों जो एंगल बनाया वो एंगल को हमने मान लिया कितना, थीटा।
ठीक, ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। जब ये मूव करेगा तो जब ये मर्ज आउट होगा, बाहर निकलेगा, तब जाके यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिला, कितना वो डिफ्लेक्ट हो गया और कितना एंगल बनाया। हमने मान लिया कि एक्स डायरेक्शन में ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है कितना, एक्स। तो जितने टाइम में मतलब जो टाइम होगा, टाइम टेकन होगा, टी टी हमने मान लिया, जो टाइम टेकन होगा वो बराबर होगा किसके लिए, फॉर बोथ टू ट्रेवल एक्स डिस्टेंस एंड वाई, मतलब एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस को कवर करने में बराबर टाइम लगेगा। जैसे एक्स पार्टिकल, ई पार्टिकल जो हमारा होगा चार्ज पार्टिकल, तो टी टाइम में अगर यहाँ पर पहुँचा उतना ही क्या हो जाएगा जी, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो बराबर समय लगेगा। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, कि जो डिफ्लेक्शन होगा बाई बाई जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। उसके बाद आपको पता करना है कि जो थीटा होगा एंगल, जिसको हम पढ़ते हैं एंगल एट विच इट इमर्ज, ये कितने एंगल से ये इमर्ज हो रहा है, ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। यहाँ पर बच्चे जो फोर्स काम करेगा, तो फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जिसको हमने मान लिया क्या, एफ। एफ फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। यहाँ पर बच्चे जो एफ की वैल्यू होगी, एफ की वैल्यू वो हम क्या लिखेंगे, क्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और चार्ज कितना है आपका, इलेक्ट्रॉन, तो हम पढ़ेंगे ई ई, ठीक है। ये हमेशा कहाँ काम करेगा, बाई डायरेक्शन में, ठीक है। जो बाई डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, उसी डायरेक्शन में हमारा काम करेगा क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग पढ़ेंगे ई ई अपॉन में एम, ठीक है, एक्सेलरेशन निकल के आ गया। चार्ज पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, फोर्स हमारे एक्स डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जीरो, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं, अगर बच्चों हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमने मानी है कितनी, बी नॉट वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है जीरो, और जो डिस्टेंस हमारा जो है ट्रेवल हुआ है वो कितना है, एक्स। यहाँ पर हमने टाइम मान लिया बच्चों कितना है, टी। टाइम कितना मानी है, टी। तो यहाँ से इक्वेशन हम लगा दें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, वी नोट के। एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म जीरो। यहाँ से एस की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स बराबर हो जाएगा यू, यू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वी नॉट, और यहाँ कर देंगे हम कितना, टी, और प्लस कर देंगे जीरो। तो यहाँ पर बच्चों टी की वैल्यू जो आएगी निकल के वो होगी एक्स अकाउंट में वी नॉट। यही टाइम हमारा वाई डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा, और यही टाइम आपका एक्स डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा। अब बच्चों बात आती है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा, ए बाई, क्योंकि फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ। जब फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ई ई अपॉन में एम, बाई डायरेक्शन में। तो बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, ई ई अपॉन में एम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाई डायरेक्शन में, वो हमने मान के चला कितना डिफ्लेक्शन है, बाई। टाइम बराबर होगा, तो टाइम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स अपॉन में वी नॉट।
यहाँ से एस बराबर हम लगा देंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वाई बराबर हो जाएगा यू, तो यू वाई की वैल्यू है जीरो, यहाँ से लिखें जीरो प्लस हाफ ई की, ए की वैल्यू बच्चों है ई ई अपॉन में एम इंटू कर देंगे टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो यहाँ से बाई बराबर क्या मिलेगा, बाई बराबर मिलेगा हाफ ई ई अपॉन में एम, टी की वैल्यू है एक्स अपॉन बी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वी नॉट स्क्वायर, तो इतना जाके डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, अब बच्चों आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि चार्ज अपॉन मास रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जो डिफ्लेक्शन होगा बच्चों, डिफ्लेक्शन वो डिपेंड करेगा चार्ज और मास रेशियो पर। ठीक है, अगर चार्ज और मास रेशियो ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान चलो चार्ज हमारा क्या है, ज़्यादा है, चार्ज भी ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और जितना हल्का मास होगा, कम मास होगा तो भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो एकदम जो हल्का, जिसका मास बहुत कम है, वो चार्ज पार्टिकल रखें तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा। तो ओवरऑल ये पता चला कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज और मास रेशियो पर। अब बात आती है कि एंगल कितना बनाएगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल की बात करें तो इधर जो वेलोसिटी है वो हमने मान ली कितनी, वी वाई सॉरी वी एक्स, अब इधर वेलोसिटी कितनी है, वी वाई, तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में से पास करेगा, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, इधर बनेगा आपका वी एक्स, इधर आपका बनेगा कितना, वी वाई, नेट कहाँ से काम करेगा, इधर से, इसको हम पढ़ेंगे वी नेट, तो वी नेट की वैल्यू आप निकाल लें, इसको पढ़ेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा हम निकाल सकते हैं, किस तरह निकालेंगे, तो एंगल की वैल्यू हम निकाल लें, इस तरह से पढ़ेंगे, ये बनेगा वी एक्स, ये बनेगा आपका वी वाई, ये एंगल बनेगा थीटा, तो यहाँ से जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कहे तो वी वाई अपॉन में वी एक्स। लेकिन एक दिक्कत, आपको ना तो वी वाई पता है ना वी एक्स पता है, तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड करें, तो बच्चों अगर वी एक्स की बात करें तो वी एक्स बराबर किसकी होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब यहाँ से ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके थे, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो, तो यहाँ से वी एक्स, अच्छा वेलोसिटी हमारी एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, कितनी थी, वी नॉट, तो यहाँ से लिखेंगे वी एक्स बराबर कितना आएगा, वी नॉट, वी नॉट आ गया। इसी तरह से हम निकालें अगर वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन निकाल चुके थे, तो वी वाई बराबर क्या मिलेगा, यू वाई, तो इधर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल चुके थे ई ई अपॉन में एम, और टी की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं एक्स अपॉन में वी नॉट, तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ई ई अपॉन में एम एक्स अपॉन में वी नॉट। ठीक, क्लियर, अब यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें, टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा, वी वाई, तो वी वाई कितना होगा, ई ई अपॉन में एम और एक्स अपॉन में वी नॉट। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे एंगल डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी हमारा चार्ज मास रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर चार्ज और मास रेशियो ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह से एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यहाँ पर आपको दे रखे हैं 3 पॉइंट, 3 चार्ज पार्टिकल आपको दे रखे हैं, 1, 2, 3। अब ऐसे बच्चों आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन करेगा, और किसके पास पॉजिटिव चार्ज है और किसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों ये आपको दे रखा है पॉजिटिव प्लेट और ये दे रखा है नेगेटिव प्लेट। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ काम करेगा। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर फोर्स काम करेगा तो समझ जाओ कि वो होगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तो फोर्स भी उधर ही काम करेगा। अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम कर रहा है, तो समझ जाओ उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके अपोजिट अगर फोर्स काम करे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, आप फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो यहाँ पर फोर्स ऊपर और यहाँ भी फोर्स फोर्स कहाँ है? ऊपर। तो ये समझ जाओ ये पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल होंगे नेगेटिव, ऐसे होंगे नेगेटिव, और जो तीसरा पार्टिकल होगा वो होगा पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है वो तीनों में से ये वाले का दिख रहा है, मतलब थर्ड पार्टिकल जो होगा उसका चार्ज और मास रेशियो ज़्यादा है, कहते तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन जो है वो चार्ज और मास रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, चार्ज और मास रेशियो के। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.14 है, क्वेश्चन नंबर 1.14। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान के चलो एक आपको दे रखा है क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, एक हम पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहे हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये दे रखी है आपकी नेगेटिव प्लेट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ काम करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब मान के चलो बच्चों हमने यहाँ पर कोई डी वाई टू, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है डी वाई टू, सॉरी टोटल है डी, और आधी डिस्टेंस पे कहें तो डी वाई टू डिस्टेंस पे कोई भी हमने चार्ज पार्टिकल रख दिया, जो चार्ज पार्टिकल है एम मास का, ठीक है, और पॉजिटिव है, और ये वी नॉट वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो बच्चों आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा वो फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो इधर से वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। अब आपको फाइंड करना है कि ये मान के चलो एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट, वी नॉट की मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। मतलब जैसी जो चार्ज है वो प्लेट को क्रॉस करे तब जाके वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हमेशा क्यू इंटू ई के बराबर होगी। कितने फोर्स से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन अगर देखें ये बाई डायरेक्शन में लगेगा और एक्सेलरेशन भी बाई डायरेक्शन में काम करेगा, जिसकी वैल्यू होगी क्यू ई अपॉन में एम, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन जो हमारा एक्स डायरेक्शन में बनेगा वो बनेगा 0,
अगर बच्चों हम एक्स डायरेक्शन की बात कर लें, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी दे रखी है कितनी, वी नॉट, एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, एल, ठीक है। इस तरह से अगर हम लगाएं एस एक्स बराबर, तो बनेगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर एस एक्स की वैल्यू कितनी है, एल, बराबर यू एक्स की वैल्यू कितनी है, वी नॉट इंटू में टी, और ये वैल्यू बन जाएगी जीरो। इस तरह से एल बराबर क्या आया, वी नॉट इंटू में टी। अब यहाँ पर बच्चों अगर आपको टाइम मिल जाए तो टाइम के साथ आप वी नॉट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो टाइम की बात करते हैं, तो टाइम कितना लगेगा कि चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा कि प्लेट को वो क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पर अगर बाई डायरेक्शन की बात करें तो बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी है, जीरो। बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको दे रखा है कितना, क्यू ई अपॉन में एम। अगर हम बात करें एस वाई, तो एस वाई कितना दे रखा है, डी वाई टू, मतलब कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे दे रखा है डिस्प्लेसमेंट डी वाई टू। टाइम हमने मान लिया कितना है, टी। टाइम कितना है, टी। तो यहाँ पर बनेगा एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी है, डी वाई टू, बराबर यू वाई की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो, प्लस हाफ ए की वैल्यू दे रखी है क्यू ई अपॉन में एम इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ पर टी की वैल्यू जो बनेगी बच्चों, टी स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, टू एम, देखो टू से टू खत्म, तो बनेगा एम डी, तो हो जाएगा एम डी अपॉन में क्यू ई। इस तरह से टी की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर एम डी अपॉन में क्यू ई, ठीक है। तो टी की वैल्यू आपने निकाल ली, ये वाले टी की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रख दो, तो कितना मिलेगा, एल बराबर वी नॉट रूट के अंदर एम डी अपॉन में क्यू ई। यहाँ से वेलोसिटी कितनी मिलेगी, वी नॉट बराबर एल रूट के अंदर क्यू ई अपॉन में एम डी। तो ये आपकी वेलोसिटी मिलेगी कि चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ जाना कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब जाके वो वेलोसिटी है कितनी बनेगी, या किस तरह से वो डिफ्लेक्ट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना बनेगा। ये सारी बातें हम लोगों ने जानी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल पर कितनी होगी, तो डायपोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।